नमस्ते, मैं माइक्रो कुकिंग एक्सपर्ट मुक्तिशा। आज हम माइक्रोवेव में घी वाला लहसुन, जो हमारा स्प्रिंग गार्लिक रहता है, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कांच के बाउल में 2 बड़े चम्मच जितना घी लेना है। मेरे पास ये प्योर घी है और ये गाय का घी है। इसी के अंदर मेरे पास हम 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके, जीरा जो है वो मुझे कड़क करना है, तो इसको मिक्स करके मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक। मैंने स्टार्ट का बटन यहाँ पे 5 बार दबा रही हूँ, जिससे 2 मिनट 30 सेकंड हो रहा है। ये हमारा जीरा कड़क हो चुका है। इसी के अंदर अदरक और मिर्च का जो पेस्ट है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरा है हींग, थोड़ा सा हींग, 1/4 टीस्पून जितना हींग। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी हम 1 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ, जिसमें स्टार्ट का बटन जो है वो 2 बार प्रेस करेंगे, यानी 1 मिनट होता है। ये हमारा जो जिंजर गार्लिक, सॉरी गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट है, वो भी हो गया है। और मुझे इसमें घी डालना है, पर ऐसे नहीं डालना है, इसको मेल्ट करके डालना है। तो मैं और एक कांच के बाउल में घी ले रही हूँ और जस्ट उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ये घी मेल्ट कर रही हूँ। पहले मैं 30 सेकेंड ही रखूँगी, 30 सेकेंड के लिए स्टार्ट का बटन 1 टाइम दबाया। और अभी इसमें मेरे पास ये जो गार्लिक है, जो स्प्रिंग गार्लिक, उसका ग्रीन पार्ट है, वाइट पार्ट जो है वो मैं क्रश करके अलग रखा है। तो ये पूरा 250 ग्राम जितना ग्रीन गार्लिक वो मैं ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार। हमने इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और नींबू का रस, 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये घी मेल्ट हो चुका है और इसको मैं अंदर डाल रही हूँ और अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये हमारा घी और लहसुन मिक्स हो गया है अच्छे से, सभी मसाले भी हमारे मिक्स हो गए। इसको मैं अभी एक डिश में ट्रांसफर कर रही हूँ। और इसको अच्छे से फैला लेते हैं। ये हमारा घी वाला लहसुन तैयार हो गया है। इसको अभी हमें नॉर्मल फ्रीज में कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे, उसके बाद उसके पीसेस निकलेंगे। और अभी मैं इसको स्टॉप